आज हम tally.erp9 में लेजर्स क्रिएट करना सीखेंगे। लेजर क्रिएट करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में अकाउंट्स इन्फो के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद अकाउंट्स इन्फो की स्क्रीन से आप लेजर्स को सेलेक्ट करेंगे। एंटर। लेजर क्रिएट करने के लिए आपके पास यहाँ दो ऑप्शन हैं, सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर। पहले हम सिंगल लेजर क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो लेजर क्रिएशन की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ लेजर्स हैं जिनकी हेल्प से हम लेजर्स को क्रिएट करेंगे। अब वो लिस्ट ऑफ लेजर्स हम देखते हैं। अब यहाँ पर है ग्रुप ऑफ लाइबिलिटीज और नीचे लिस्ट ऑफ लेजर दी हुई है, जिसमें लेफ्ट साइड में आपको लेजर नेम दिखेंगे और राइट साइड में ग्रुप हेड है। हर लेजर के लिए एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है कि कौन सा लेजर किस ग्रुप हेड के अंडर एंटर होगा। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट है हरीश कैपिटल अकाउंट। अगर कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके लिए लेजर क्रिएट किया जाता है कैपिटल अकाउंट के नाम से, और हरी वो पर्सन है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, इसलिए हरी इस कैपिटल अकाउंट के नाम से एक लेजर क्रिएट करेंगे जिसे हम कैपिटल अकाउंट के ग्रुप हेड में एंटर करते हैं। टैली में इसका लेजर क्रिएट करते हैं। लेजर क्रिएशन स्क्रीन में आप नेम के सामने एंटर करेंगे हरीज कैपिटल अकाउंट। जैसे आप एंटर करेंगे एलियाज की फील्ड आएगी। इसका मीनिंग है अगर आप कैपिटल अकाउंट के लिए कोई सब नेम एंटर करना चाहते हैं तो वो सब नेम आप यहाँ एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज इस फील्ड को आप स्किप भी कर सकते हैं। एंटर। अंडर में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से आप कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए आप कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में सी नाम के जितने भी ग्रुप्स हैं वो हाईलाइट हो गए। उसमें से आप सेलेक्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट। एंटर। फिर अगर आप कैपिटल अकाउंट के लिए मेलिंग डिटेल्स एंटर करना चाहते हैं तो वो मेलिंग डिटेल्स आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करते हैं। लिस्ट ऑफ स्टेट्स में से आप सेलेक्ट करेंगे दिल्ली। एंटर। देन पिन कोड एंटर करेंगे। उसके बाद टैक्स इंफॉर्मेशन में यहाँ पर दो नंबर्स हैं, पैन आईटी नंबर और सेल्स टैक्स नंबर। ये दोनों नंबर जो होते हैं वो आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से अलॉट होते हैं। ये उन पर्सन के लिए होता है जो लोग टैक्स पे करते हैं, उनके पास पैन नंबर होना बहुत जरूरी है, तो पैन नंबर हम यहाँ पे एंटर करते हैं। उसके बाद सेल्स टैक्स नंबर एंटर करते हैं। जैसे ही एक्सेप्ट आएगा आप वाई प्रेस करेंगे या एंटर प्रेस करके उस लेजर को एक्सेप्ट कराएंगे। अब नेक्स्ट लेजर पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेजर है यहाँ पर ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट का मीनिंग है अगर कोई प्रोप्राइटर जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है वो अपने कैपिटल में से अगर कुछ मनी विड्रॉ करता है तो उसके लिए एक लेजर क्रिएट किया जाता है ड्रॉइंग्स अकाउंट के नाम से, और उसे हम कैपिटल अकाउंट के ग्रुप हेड में एंटर करते हैं। लेजर क्रिएट करते हैं इसका टैली में। नेम के अंदर आप एंटर करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट। एंटर। इसको अंडर कैपिटल अकाउंट के रखेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करते जाएंगे और जैसे ही एक्सेप्ट आएगा आप एंटर प्रेस करके या कीबोर्ड से वाई प्रेस करके इस लेजर को एक्सेप्ट कराएंगे। नेक्स्ट लेजर पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेजर है मिस्टर कुमार, जिसको आप सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप हेड में एंटर करेंगे, और ऐसे ही ए टू जेड ट्रेडर्स है इसको भी आप सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप हेड में एंटर करेंगे। अब सबसे पहले हम मिस्टर कुमार का